अफगानिस्तान के हालत को लेकर पीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी के दिए निर्देश। अफगानिस्तान संकट पर पीएम मोदी ने की बैठक। बैठक में कहा भारत आने वाले हिंदुओं और सिखों को देंगे शरण। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर दिखी लोगों की भीड़। सफर करने वाले कई यात्री वैक्सीन की दो खुराक से वंचित। राज्य में 10 नए जलचा प्लस के मरीज मिले। कोल्हापुर से 6, रत्नागिरी से 3, सिंधुदुर्ग से 1 मरीज की हुई पुष्टि। राज्य में जलचा प्लस मरीजों की संख्या बढ़कर 76 हुई। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा जलचा प्लस से ना घबराए जनता। काबुल से 250 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित लाया गया भारत। अभी भी अफगानिस्तान में 1750 भारत के नागरिक फंसे। दो वैक्सीन लगवा चुके नागरिकों को पास के साथ टिकट भी मिले। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप ने की मांग। अफगानिस्तान में 20 अगस्त को तालिबान करेगी अपना सत्ता स्थापना। अब्दुल गनी बरदार समेत कई नेता अफगानिस्तान के लिए रवाना। पुणे के ग्रामीण भागों में आज से अनलॉक की शुरुआत। सभी दुकानें, मॉल, होटल और मार्केट को रात 10 बजे तक खुलने की अनुमति। कल दर्ज होगा संजय राठौर का बयान। महिला ने शारीरिक सुख की मांग का लगाया था आरोप। जांच के लिए एसआईटी टीम गठित। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में मंदिर खोलने की मांग। कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मंदिर खोलने में सरकार को क्या है दिक्कत। महाराष्ट्र के अफगानी छात्रों को मिलेगी सुरक्षा। आदित्य ठाकरे ने दिया मदद का भरोसा। तालिबान से अमेरिका की ओर जाने वाला 130 लोगों की क्षमता वाले विमान में सवार हुए 600 से ज्यादा लोग। विमान में अमेरिका और अफगानी नागरिक शामिल। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को दिया करारा जवाब। कहा पवार बड़े नेता है, उनके ऊपर निशाना साधने की जरूरत है क्या। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान से गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। राणे ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बाला साहेब की स्मृति स्थल भी जाएंगे। शेयर मार्केट में आज फिर देखी गई उछाल। सेंसेक्स 209.69 अंक के बढ़ोतरी के बाद 55,792.27 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 51.55 अंक की बढ़ोतरी के बाद 16,614.60 पर पहुंचा। मुंबई में आज कोरोना के 198 मामले आए सामने। 304 मरीज हुए ठीक, 2 की मौत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोरोना के खतरे को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ शिया मुस्लिम समाज को मुहर्रम का जुलूस निकालने की दी परमिशन। 20 अगस्त को 3 घंटे का निकाल सकते हैं जुलूस। थाने में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर 4 आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज। कल यात्रा में कोरोना नियमों की जमकर उड़ी थी धज्जियां। थाने में आज कोरोना के 41 मामले आए सामने। 56 मरीज हुए ठीक, 1 भी मौत नहीं। मुंबई में आज सोने चांदी के दाम में हुई बढ़ोतरी। सोना 46,430 रुपए प्रति तोला, वहीं चांदी 63,600 रुपए प्रति किलो पहुंचा। तालिबानियों को अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी। अमेरिकन नागरिक पर हमला हुआ तो देंगे करारा जवाब। वक्त आने पर पूरी ताकत लगाकर करेंगे अमेरिकी नागरिक की सुरक्षा। कंगना रनौत ने अफगान की स्थिति पर किया पोस्ट। लिखा मोदी नहीं होते तो अफगानिस्तान की जगह हम होते। तालिबान भारत के बेहद करीब। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 4,408 मामले हुए दर्ज। 116 मरीजों ने गवाई जान। जन आशीर्वाद यात्रा में आदिवासी महिलाओं संग केंद्रीय मंत्री भारती पवार ने किया डांस। वीडियो हुआ वायरल।